तो आप लोगों को जो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो दोस्तों बड़ी अच्छी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पे एक्शन। आपको बहुत डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई नया तरीका ईजाद करता है किसी के खिलाफ तो वो क्या क्या कर सकता है। कहावत है ना कि अकेला चना भांट नहीं फोड़ सकता है, लेकिन दोस्तों सब कुछ हो सकता है अगर एक बंदा कुछ करने की कोशिश करे। जैसे कि एक बंदे ने कंप्लेंट की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ और आज उसका लाइसेंस हो गया है सीज। दो दो बैंकों का लाइसेंस सीज हुआ है। ये कल की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है तो आपके हाथ में क्या क्या हथियार है, आप उस हथियार को यूज करके उनकी लंका लगा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्शन लेंगे रिकवरी एजेंट के खिलाफ तो आप उस बैंक का लाइसेंस भी रद्द करा सकते हैं। रिकवरी एजेंट ने बहुत गलत गलत हटकंडे अपना के एक बंदे की जॉब ले ली, उसको जीना हराम कर दिया। और आप लोगों को पता नहीं कि जीवन जीना आप लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। तो उस बंदे ने क्या किया कि जब बहुत परेशान हो गया, अब उसको खाना खाने लायक भी पैसे नहीं थे, तो उसने अपने बात को ऊपर रखने के लिए सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर से बात करके अपनी परेशानी बताई और उस बैंक ने उसकी परेशानी को नहीं सुना। फाइनली उसने हार धार के अपनी बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा और जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी वीडियो आई तो दोस्तों ऐसी वायरल होगी कि उसकी बात किसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचा दी कि देखिए ये बंदा जीना चाहता है लेकिन इसको बैंक वाले जीने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों एक साउथ की मैंने मूवी देखी थी अजीत की, उसमें बैंकिंग के ऊपर बड़ी अच्छी मतलब बात कही कि देखिए बंदा है ना बैंक में पैसा रखना चाहता है और वो जोड़ना चाहता है, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं ना कि उनको जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन दे देते हैं और जो उनकी सेविंग होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी बातें अच्छी तो होती नहीं है। बैंक वाले अपना टारगेट पूरा करने में लोगों की जीवन का भी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन एक आदमी अगर अपने पे आ जाए, कहते हैं ना कॉमन मैन दुनिया में सब कुछ कर सकता है, तो फिर वह चाहे तो बैंक की लंका लगा सकता है। देखिए बैंक एक एंटिटी होती है, लोगों के ही पैसों से बनती है और लोगों को ही जब वो परेशान करने लग जाएगा तो उसकी लंका तो लगानी ही पड़ेगी। दोस्तों लंका लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप लोग फंसे हैं लोन के ट्रैप में, पर्सनल लोन के ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, तो हम लोग उसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आप हमसे सर्विस लेके अपने में एक सुपर शक्ति ला के सेटलमेंट करा सकते हैं 30% तक में। नहीं मालूम है ना, तो दोस्तों इस व्हाट्सएप में आइए, हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप कौन कौन से तरीके यूज करके आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। सेटलमेंट कराना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप सेटलमेंट कराने से पहले आप पैसों को जोड़े, पैसे जोड़ के बैंकों को पैसे दे दें, लेकिन पहले आप अपनी ज़िंदगी जिए। दोस्तों ज़िंदगी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो पैसे क्या करेंगे। तो पैसे कमाएं, पहले ज़िंदगी जिए, जब अगर आपके पास पैसे बचे तो आप फिर उन पैसों को बैंकों को दे के अपने ज़िंदगी में जो लोन वाला ट्रैप वाला क्लेश ख़त्म कर लें। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे उस बंदे ने उस बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया और रिजर्व बैंक ने कैसे उसके लाइसेंस को सीज कर दिया है। अब ना तो वो लोन बेच सकते हैं ना अकाउंट खोल सकते हैं। दो बैंक है दोस्तों और आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोगों को सेटलमेंट करवाने में परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप हमसे दो सर्विस में इस चीज़ को करा सकते हैं। ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी सेटलमेंट कंपनी, जितनी हम जितने कम से कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, कोई भी डेट कंपनी इतना अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट नहीं करवा सकती है। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो आप जिस भी स्टेट से हैं बताइए किस स्टेट से, मैं आपको वहां का रेफरेंस दे दूंगा जिनका मैंने सेटलमेंट कराया, वो आपको बताएंगे हमारे एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने कितने कम पैसों में अपने काम को ख़त्म करा लिया। तो आप भी अगर ट्रैप में फंसे हैं तो आप हमारी हैंड होल्डिंग एडवाइजरी सर्विस लेके इन चीज़ों को ख़त्म करवा सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप अपनी परेशानी को लिखिए और देखिए कैसे आपकी परेशानी को हम ख़त्म कर देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अलग अलग चैनल पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे कर लीजिए हमें फॉलो। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आपको आपके काम की वीडियो भी मिलेगी। www.ahktips.com ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रकम का ख्याल दोस्तों, जान है तो जान है। चल बेटे लट्टू चला बट्टू।